welcome to Redix. In this session, we will discuss problems on height and distance. Right? Now, question number one. देखो, मैंने आपको उस दिन कुछ shortcut बताया था ना, तो मैं आज उन shortcut को दोबारा define कर दूंगा और उन पर base question करूंगा. If the angle of elevation of the sun changes from 30 degree to 45 degree, the length of the shadow of a pillar decreases by 20 meter. The height of the pillar. देखो यार, एक बहुत मजेदार question है. इस क्वेश्चन में देखो, दिस इज व्हाट पिलर, मान लेते हैं पिलर की हाइट h है, ठीक है. अच्छा, जो सन का एलिवेशन होता है, ध्यान रखना, सन की जो रेज होती है वो इस तरह से आएंगी, तो जमीन से जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज सन्स एल्टीट्यूड या एंगल ऑफ सन, ठीक है. तो इसकी रेज जो बनाती है, तो बोला है व्हेन द एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45, तो लेंथ, देखो ये पहले शेडो थी, ये बाद में शेडो थी, तो शेडो कितनी बढ़ गई है, 20 मीटर, ठीक है. मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका याद है फॉर्मूला, एच, अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा होता, ये अल्फा, ये बीटा, दिस इज एच, दिस इज डी, एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल डी, ठीक है. तो देखो यहां पर हो गया एच कॉट 30 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल डिस्टेंस 20, तो एच वुड बी 20 बाई रूट 3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 10 अंडर रूट 3 प्लस 1, आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है भाई. पूरा टॉपिक शॉर्टकट बेस्ड है, तो आपको बस वो शॉर्टकट याद जो हमने बताए थे आपको, ठीक है ना. ओके, वन फ्लाइज अ काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग. जब काइट की बात करो, थ्रेड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है, कर्ण हो जाता है, तो ये तो हो गया आपका थ्रेड, कितना मीटर लॉन्ग है, हो गया 150 मीटर. नाउ द एंगल थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ये जो एंगल बोला हुआ है, धागा जो जमीन के साथ एंगल बनाता है, कितना है, 60 डिग्री. नाउ देन द हाइट ऑफ द काइट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमेशा ध्यान रखना, और ज्योमेट्री में बहुत जगह यूज करूंगा मैं, दिस इज 30 60 90, याद है रूल, इफ दिस इज 30 दिस इज 60, तो अगर 30 के आगे साइड ए है, तो 90 के आगे क्या होगी, 2a, और अगर 30 के आगे 6a है, तो 60 के आगे a रूट 3 होगा. अब ध्यान देना, बिकॉज ये हमने हो गया 90, ये 60 है 30, तो देखो 90 के आगे कितना है, 150, तो 30 के आगे इसका हाफ होगा 75, और अगर 30 के आगे 75, तो दिस वुड बी 75 रूट 3. ये रूल लिख लेना, बहुत काम आएगा आपको. दोबारा समझ लो इस चीज को, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है 30 60 90, तो 30 के आगे जो भी साइड होगी उसका डबल 90 के आगे होगा, और जो 30 के आगे 60 के आगे उसका रूट 3 टाइम्स होगा. इसका रिवर्स ये होता है, इफ दिस इज 30 दिस इज 60 एंड दिस इज 90, अगर 60 के आगे a है, देन 30 के आगे इसका a बाई रूट 3 होगा, है ना, और जो 30 का उसका डबल यहां पर होगा 2a बाई रूट 3. पूरा टॉपिक ज्योमेट्री 90% क्वेश्चन इसी रूल से चलने हैं, 30 60 90 से, ठीक है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस पूरा इसी चल जाएगा. ओके, आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टार फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द टार आर रेस्पेक्टली 15 एंड 30, इफ ए एंड बी आर, देखो यार ये एक टार है, शिखर दिया हुआ, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट ए से 15 डिग्री है, सॉरी यहां से 30 है, यहां से 15 डिग्री है. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल एंगल रूल. डबल एंगल रूल जब भी आ जाए, देखो इसका कैसे करते हैं, अगर ये अल्फा है, ये 2 अल्फा, तो रूल केवल ध्यान रखना, ये साइड इक्वल होंगी, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है. अब इस हिसाब से ये 15 30, तो ये जो साइड होगी वही होगी. अच्छा, और ए बी 48, तो ये भी 48 हो जाएगा, तो 90 के आगे 48, तो 20 के आगे 24, आंसर. अरे समझे, अब देखो एसएससी का 2012 का क्वेश्चन है, तो आपको ये सब ट्रिक पता होनी चाहिए, अदरवाइज 50 निकालते आप कॉट 50 निकालते या 10 50 निकालते, टाइम वेस्ट होता. अगर आपको ये शॉर्टकट पता तो बहुत आसान है, डबल एंगल रूल पता. अच्छा एक शॉर्टकट और लिख लो, शायद उस वीडियो में नहीं था, वो ये था 30 60 में दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, लिख लो जरा, 30 60 में दो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, अगर ऐसा कुछ हो,
इफ दिस इज 30 दिस इज 60, तो ये जो लेंथ होती है 2:1 के रेशियो में होती है, ये रट लेना आप लोग बातें, ठीक है। अगर ये 30 है ये 60 है, और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक आध लड़का अपने घर के ऊपर छत पर खड़ा हुआ है, एक कार को देखता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज 30 डिग्री, 10 सेकंड के बाद यही कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है 60 डिग्री, अवनमन कोण। तो बताओ ये कार इस जगह से यहां पे कितने पहुंचेगी, अगर ये रेशियो 2:1 है, ये लगता है 10 सेकंड, तो इसमें लगेगा 5 सेकंड। और एक और कॉन्सेप्ट लिख लेना, ये नोट कर लिया, 30-60 में रूल बहुत इंपॉर्टेंट, 30 की तरफ 2 होता है, 60 की तरफ 1 होता है, ध्यान रखना इस चीज को। एक और रूल है, अगर आप किसी मीनार, दो मीनार की बात करते हैं, ठीक है, आप इससे देख रहे हो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का 30 डिग्री है और बॉटम का 60 डिग्री है, तो ये 30 हो गया 60 हो गया, तो ये और ये साइड 2:1 के रेशियो में होती है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब टार इज 108 मीटर लॉन्ग, अनदर टार इज लोअर देन दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बिंदु से इस टार के टॉप के और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 है, तो ये जो रेशियो होगा ये 2 पार्ट होगा इस पूरे का, तो 2/3 ऑफ 108, याद रखना। 30-60 बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, और आपके एग्जाम ज्यादा 30-60 आएगा, ये रट लेना बात, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मॉन्यूमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 1/5, ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड द मॉन्यूमेंट द सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी √193/12 हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट। देखो यार, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आपने देखा एक पॉइंट से देखा, इस मान लो ये एंगल अल्फा, ये बीटा, तो जब देखा इस तरफ तो आपको दिया हुआ है 10 अल्फा कितना 1/5, ये तो बोला हुआ है पहली बार जो देखा उस एंगल का 10 का मान 1/5 है। जब हम बड़े 138 मीटर मॉन्यूमेंट की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा हो गया और बोला हुआ है सेक बीटा √193/12, ये तो बोला हुआ है, और आपको एच पूछा, तो फॉर्मूला होता है एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल डी। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि हम कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन में। देखो 10 अल्फा 1/5, तो कॉट अल्फा कितना होगा, तो एच 5 माइनस डी 138। अब सब कुछ मुझे बीटा निकालना पड़ेगा, तो सेक बीटा दिया हुआ है, सेक क्या होता है, कर्ण हाइपोटेन्यूज बटे बेस, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो यह जाएगा 193 माइनस 144 इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो होगा, आप बना लेना राइट एंगल ट्राइंगल, पी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो कॉट बीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो होता है बीटा, कॉट बीटा निकालना है, बेस हो गया अपना 12 और ये 7, तो ये हो गया 12/2, बस खत्म क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे 35 होगा, 23/7, ये 23 से कटना चाहिए और 7 गुणा होगा, 7 का मल्टीपल से सारे दे रखे हैं, कर लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा 6 बार, तो हाइट हो गई 42 मीटर, समझ में आया। तो ये अप्रोच आनी चाहिए आपको, सेक से कैसे कॉट निकालेंगे, 10 से कैसे, और क्या फॉर्मूला लगेगा आपको, वो सब फॉर्मूले भूल, पुराने वाले भूल जाओ, लॉजिकल आपको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज एक्स मीटर, इफ टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर देन द वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कह रहा है दो पिलर्स के बीच की दूरी कितनी है 16 मीटर, नाउ एक, नहीं सॉरी, ये एक्स है, एक पिलर 16 मीटर का, एक पिलर 9 मीटर का है। If two angles of elevation, their respective top from the bottom, देखो इस तरफ से देखने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी आता है और इधर से देखने पर एंगल ऑफ जो भी आता है 90 माइनस अल्फा मान लिया, कॉम्प्लीमेंट्री बोले ना, मतलब इनके सम कितना है 90 डिग्री। आपको एक्स की वैल्यू पूछिए, दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है एक लंबा तरीका, तो बताओ पहले लंबा तरीका। देखो पहला कंडीशन, ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं अल्फा वाला, 10 अल्फा 9/x जानते हो, दूसरा 10 90 माइनस अल्फा 16/x, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल 16/x, ठीक है, ये हो गया 10 अल्फा इज इक्वल x/16, दोनों को इक्वेट कर दो x आ जाएगा, एक शॉर्टकट इसका।
हम क्या करेंगे, इसको मान लो 30, इसको मान लो 60, कॉम्प्लीमेंट्री है आसान करने के लिए, है ना। अच्छा अब देखो ये 30 है, वैसे इस तरह मत करना, इसमें एक समस्या आ जाती है, 10 30 कितना होता है इज इक्वल 9/x, और 10 60 कितना होता है √3, 16/x, तो √3 का मान यहां रख दो, 1/√3 का मान रख रहा हूं मैं यहां पर, 16/x, x ऊपर आ गया 9/x, तो x स्क्वायर कितना हो गया 16 × 9, x कितना हो गया 12, 12 सी ऑप्शन, ठीक है भाई। हाँ ये क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसे पूरा आपको 10 cot यूज करना पड़ेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक अलग क्वेश्चन था पूरी शीट का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्री आर x एंड y। अच्छा एक चीज नोटिस करो, देखो दोनों ए और सी सेम सेम लग रहे हैं और बी और डी, तो यहां पे माइनस करो क्योंकि दोनों फिर सेम हो जाएंगे अगर प्लस होगा, है ना। अच्छा उसके बाद देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्री, देखो ये ट्री हो गया माना आपका, इससे इस बिल्डिंग के एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब पेड़ के ऊपर से पेड़ के नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने है। देखो एक बार सुनो, पहले बोला है टॉप ऑफ ट्री, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। अच्छा आपको बोला हुआ है ट्री की हाइट एच है, तो आपसे इस बिल्डिंग की हाइट पूछिए, मान लेते हैं ए। अब देखो रूल क्या करेंगे हम, इसमें नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब वही हाई स्कूल वाला मेथड ले आओ, ट्रायंगल ए ई डी में सब कुछ कॉट में ना, तो कॉट एक्स, अगर ये पूरा ए है ये एच है तो ये कितना होगा, तो कॉट एक्स हो गया ईडी अपॉन ए माइनस एच, ठीक है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ईडी कितना हो जाएगा ए माइनस एच इंटू कॉट एक्स। अच्छा ट्राइंगल ए बी सी में कॉट वाई बी सी अपॉन ए, तो बी सी कितना हो गया, अच्छा और बी सी और ईडी बराबर है तो हम क्या करेंगे, बी सी इज इक्वल ईडी, ये रख दो आप, ए कॉट वाई इज इक्वल ईडी कितना है ए कॉट एक्स माइनस एच कॉट एक्स, तो इस माइनस को इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, एच कॉट एक्स इज इक्वल ए कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई एच कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, कौन सा आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ऑन मूविंग ए डिस्टेंस 20 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर एंगल कितना बन गया 60, तो 30 60 का क्वेश्चन आ गया, ये 20 है, रेशियो क्या होता है 2:2, ये 10 हो गया, और आपको पूछा है हाइट ऑफ, देखो 30 के आगे 10 तो 60 के आगे सी ऑप्शन, बताया था भाई डबल एंगल से हमने वो साइड 2:1 कर दिया, उसके बाद और एक वो भी कर सकते थे, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, सॉरी 20 होगा, ये 10 हो जाएगा, वो भी तरीका हो सकता है, डबल एंगल इसी तरह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अच्छा एक रोड के इधर उधर पोल्स लगे हुए हैं जो रोड की लेंथ कितनी है 100 मीटर, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स। देखो यार कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ये 100 मीटर है ठीक है, और ये हाइट इक्वल है, अच्छा थोड़ा डायग्राम वाला बन गया, दोनों की हाइट इक्वल है, ये भी एच ये भी एच, अच्छा ये 30 डिग्री हो गया ये 60 हो गया, ये 30 मान लो ये 60 हो गया ठीक है, नाउ साइड अपोजिट टू 60 एच, तो 30 के अपोजिट साइड कितनी होगी एच बाई रूट थ्री, ठीक है भाई, इधर 30 के अपोजिट एच तो 60 के अपोजिट, इन दोनों का सम कितना होगा 100, तो एच रूट थ्री प्लस एच बाई रूट थ्री इज इक्वल 100, तो 4h by root 3 is equal 100, मैंने एलसीएम ले लिया, एच इज इक्वल 25 root 3, ए ऑप्शन, ठीक है। अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ड्यू टू स्टॉर्म इट स्टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 root 3 meter फ्रॉम इट्स फीट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 10 द हाइट ऑफ द पोस्ट। देखो क्वेश्चन कह रहा है ये जो हिस्सा था ये पूरा यहां से तक टेलीग्राफ पोस्ट था, तूफान से ये इतना ऐसे टूट गया तो इधर झुक गया ऐसे,
है ना। और बोला भाई ये जो लेंथ है कितनी है, 8 रूट थी इसके बेस से, और ये एंगल कितना दिया है, तो देखो 60 के आगे 30, 8 रूट 3, तो 30 के आगे 8, और 30 के आगे 8 तो 90 के आगे 16, तो ये भी 16 हो गया। लेंथ ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट वुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, वो बच्चे कह रहे हैं उसी को जरूरत होगी। चलो देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर एक्स एंड 45। देखो इस टॉपिक में डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर एक्स एंड 45। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक पॉइंट पे खड़े हो और ये बिल्डिंग यहां तक है, इसके ऊपर एक चिमनी लगी हुई है इसकी, ठीक है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, पहले बोला है, नहीं देखो पहले नीचे एक्स से ऊपर ये देखना है बस हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, हाँ टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड छोटा एक्स से बड़ा 45 है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ चिमनी ऑन द रूफ, पहले टॉप ऑफ बिल्डिंग है मतलब छोटा वाला एक्स है, फिर 45 है। इसमें जरा सी लैंग्वेज गड़बड़ कर दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु से बिल्डिंग का और उसकी चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स और 45 है, तो पहले बिल्डिंग बोला है बाद में चिमनी बोला हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर ही चिमनी होगी नीचे तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब बिल्डिंग का एक्स है और चिमनी का 45 है। ओके आपको बोला है द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच, ये एच दिया हुआ है तो आपको ये पूछा होगा एक्स। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात समझना, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं इसको मान लो वाई मान लो क्योंकि एक्स ऑलरेडी दे रखा है ना। नाउ अगर ये 45 है पूरा तो ये लेंथ होगी एच प्लस वाई, ये 45 तो ये भी 45 होगा ना। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं इस वाले की, टेन एक्स इज इक्वल एच अपॉन एच प्लस वाई, क्लियर है भाई, तो एच टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल एच, तो वाई टेन एक्स इज इक्वल एच माइनस एच टेन एक्स, ठीक है। अब 10 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल एट कॉट एक्स माइनस एच, बी ऑप्शन। अगर आप उल्टा ले लो कुछ और आंसर है, प्लस में आ जाएगा आंसर, समझ में आया, या जरा माइनर गलती होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पर जो ध्यान रखना है किधर लेना है हमको एंगल। ओके टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ अदर, देखो ये अगर आपको पूछा क्या है शॉर्टर पोस्ट, मान लेते हैं ये हाइट एच है तो ये कितनी होगी और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है एक्स, और ये मिड पॉइंट है बोले ना, इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना है, ये लेंथ होगी एक्स बाई टू, आधा है ना मिड पॉइंट है और ये भी एक्स बाई टू हो गई, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में टेन अल्फा एच अपॉन एक्स बाई टू या टू एच अपॉन एक्स, 10 90 माइनस अल्फा ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन x बाई टू, कॉट अल्फा 4h बाई x, उल्टा कर लो 10 अल्फा x अपॉन 4h, देखो ये भी 10 अल्फा ये भी 10 अल्फा, दोनों इक्वल कर दो 2h बाई x इज इक्वल x बाई 4h, तो x स्क्वायर इज इक्वल, बल्कि h स्क्वायर इज इक्वल x बाई 8, h इज इक्वल x बाई 2√2, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। ओके देखो एक बहुत मजेदार वो है क्या, अभी देखते हैं। अच्छा हिंदी में करेक्शन कर लो, वो 5000 मीटर होगा, इंग्लिश में सही है। देखो यार एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5, अब देखो ये समझना होता है एरोप्लेन जो उड़ रहा है वो ऊपर या नीचे, ध्यान रखना होता है। द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, मतलब ये जो हमारा उड़ रहा है यहां पर उड़ रहा है, ये लेंथ 5000 है, ठीक है भाई, क्या किसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा अच्छा यहां पर इसके ऊपर उड़ रहा है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 है, ये 45 है, ठीक है। आपको पूछा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, देखो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान सी बात है, ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 होगा, तो ये कितना हो गया 5000 बाई, बोलो 60 का जो एंगल होता है 30 का, उसके लिए अपॉन में √3 कर देते हैं। अच्छा अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये लेंथ कितनी हो गई, तो ये लेंथ क्या होगी 5000 माइनस 5000 बाई √3, तो √3 कॉमन ले लो,
रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री, या यही आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो डायग्राम बनने की बात, अगर डायग्राम अच्छा बने तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको 5000 कर लो यार, हिंदी में गड़बड़ है। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ ए टार विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टुवर्ड द टार एंड एंगल बिकम्स 60 डिग्री। कितना घटिया क्वेश्चन है, देखो डबल एंगल रूल आ गया, एकदम से आपको खुश हो जाना चाहिए, है ना। और कितना दूरी, 30, ये 30 तो ये भी 30, ये 90, ये 30, ये 30 तो ये 15, ये 15 रूट थ्री। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सॉरी उल्टा दिया भाई, हमने गलती कर दी सारी। कभी ज्यादा जल्दीबाजी भी गड़बड़ हो जाती है। ये 30 दे रखी है। वो हमने 30 मान लिया था। देखो ये 30 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, राइट। अब देखो 60 के आगे 30, तो ये कितना होगा, 30 बाई, या 10 रूट 3, बोलो। और अगर ये 10 रूट 3, तो ये 90 के आगे 20 रूट 3, और ये 20 तो ये भी 20 रूट 3। डी ऑप्शन, इस बार उल्टा दिया था, है ना। हमें जब बेस देता इस बार वो दे दिया, तो हम भी जल्दी में कर गए। और अच्छी बात थी कि ऑप्शन में वैल्यू थी नहीं, वो अगर उसे मार के निकल लेते। वैसे इनको करना चाहिए ऑप्शन, वो वैल्यू देखनी चाहिए कि बच्चा लगाए ना भाग ले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल इज 60 मीटर, द हाइट ऑफ वन पोल इज डबल। देखो एक ऐसे पहले क्वेश्चन हो चुका है, वहां पर एक्स दिया था, यहां पर आपको ये हाइट, ये लेंथ दे रखी 60। अगर ये एच है, ये 2H है। अच्छा क्या आया था, H इज इक्वल, सॉरी हाइट क्या आया था, 60 बाई 2 रूट 2, यही तो आया था। 30 या 15 रूट 2, और दूसरी हाइट कितनी हो जाएगी, 2H हो जाएगी 30 रूट 2। तो आपको करने की जरूरत नहीं, डी ऑप्शन हो गया, पहले कर चुके ना, याद हो जाए H बाई 2 रूट 2 आया था उसका आंसर। आप चाहो तो पूरा कर लो, पूरा कैसे होगा, इसको मान लेना अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, दिस वुड बी 30, दिस वुड ऑल्सो बी 30, ठीक है भाई। एन एरोप्लेन वेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली बिलो वन अदर। अब यहां पर बिलो है, मतलब जो हमारा प्लेन उठ रहा है वो यहां पर है, और ये हाइट होगी 3125, है ना। अच्छा दैट इज 72। अब वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज था, ये 3125 है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, 30 होगा। अच्छा 30 के आगे 3125, तो 60 के आगे ये 60 हो गया ना, 3125 रूट 3। अच्छा अब इस पूरे ट्रायंगल को देख लो, ये क्या है 60, और ये 30, तो 30 के आगे ये, अब बीच वाला भूल जाओ, तो ये हो जाएगा कितना ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3125 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अरे समझे, डबल एंगल पे काम होना था। अब इसका डिफरेंस, इनके जो दूरी कितनी होगी, 3125 इंटू 3 माइनस 3125, यही तो होगा डिस्टेंस। कॉमन आ गया 3125 इंटू 2, आखिरी में 50 आएगा, केवल डी ऑप्शन, है ना। समझ में आया सबको, डबल है, दो बार ट्रायंगल लगाना पड़ा मुझे। द शेड ऑफ टार बिकम 60 मीटर लार्जर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन। हाँ एक क्वेश्चन में करा चुका हूं इस तरह का, देखो ये 45 है, ये 30 डिग्री है, और शेडो कितनी बड़ी बन गई है, 60 मीटर। तो देखो ये आपको पूछा होगा हाइट, तो एच कॉट 30 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल 60, एच इज इक्वल 60 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई 2, याद है कुछ, कॉन्जुगेट कर देना, सीधा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है भाई। अब 15 फीट हाई वर्टिकल पोस्ट इज ब्रोकन एट ए सर्टन, एक क्वेश्चन इस तरह का हो चुका है, एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीट सेपरेटेड मींस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। देखो यार ये पूरा कितना बड़ा था, 15 मीटर, और आपको पूछा है माना इस पॉइंट पर ब्रेक हो गया, तो माना ये लेंथ एक्स है, तो ये कितनी बचेगी, और ये एंगल कितना है, 30 के आगे एक्स, तो 90 के आगे 2x, समझे भाई। भाई 30 के आगे अगर x है तो 90 के आगे 2x, तो 3x इज इक्वल 15, x इज इक्वल 5, आंसर दिस। शेड ऑफ टार इज रूट 3 टाइम्स इट हाइट, इसका मतलब देखो अगर ये हाइट है तो शेडो एच रूट 3 है, एंगल कितना मल्टीप्लाई, ये 60 होगा तभी तो 30 होगा, तभी 60 में रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल इज, है ना कॉन्सेप्ट, 30 60 90। A 6 feet tall man cast a shadow of, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 feet long. At the same time, when a flag pole cast a shadow of 50. देखो मान लेते ये 6 feet tall था, इसकी shadow 4 feet long बनी. उसी समय अब pole cast a shadow 50 feet. तो आपको बोला उसकी height क्या है? इस दोनों में क्या चीज common होगी? Angle.
ये अल्फा, ये भी अल्फा, क्योंकि उसी समय की बात है ना, सूरज की रोशनी चाहे कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है एक जैसी पड़ती है ना। तो इसका मतलब यहां पर टेन अल्फा, यहां पर टेन अल्फा बराबर होगा। तो छोटे ट्राइंगल में टेन अल्फा 6/4, बड़े में एच बाई 15 है ना, तो कितना 75 फीट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सिमिलर से भी हो सकता है, लेकिन हम हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट बता दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। यहां पर ये 60 डिग्री है, ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस, मतलब ये दूर जा रहा है इससे, तो ये टाइम लगा 15 सेकेंड इतनी दूरी कवर करने में, राइट। और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। नाउ बोला है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500 रूट 3, इधर भी 1500 रूट 3। अच्छा, जो पहला डायग्राम है 60 के आगे 1500 रूट 3, तो 30 के आगे 1500, ये डिस्टेंस होगी कितनी 1500, और इधर 30 के आगे 1500 रूट 3, तो इधर इसके आगे इंटू रूट 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो 4500 घटाओगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3000। तो दिस डिस्टेंस इज 3000, टाइम लगा 15 सेकेंड, तो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 3000 अपॉन 15, 200 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो यार, क्वेश्चन बोला हुआ है दो पॉइंट है पी एंड क्यू, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं ए, इसकी बी दी हुई है, ठीक है। और ये जो एंगल है वो अल्फा और 90 माइनस अल्फा है, मान लो ये एंगल, ये हाइट एच है। अब आप क्या करोगे, पहला ले लो बड़ा ट्राइंगल टेन अल्फा एच अपॉन बी, टेन 90 माइनस अल्फा एच अपॉन ए, ये क्या हो गया एच अपॉन ए, उल्टा कर लो, टेन अल्फा इज इक्वल ए अपॉन एच, दोनों टेन अल्फा इक्वेट कर दो, एच अपॉन बी इज इक्वल ए अपॉन एच, सो एच स्क्वायर इज इक्वल ए बी, एच वुड बी अंडर रूट ए बी। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री है और ये कितना 100 मीटर है, तो देखो 60 के आगे 100, तो 30 के आगे रूट 3, ए ऑप्शन, ठीक है। अ पोल स्टैंड वर्टिकली इनसाइड अ स्केलिन ट्रायंगल, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। एक स्केलिन ट्रायंगल जिसकी भुजाएं कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, इसके बीचों बीच एक पोल स्टे खड़ा है, देखो 3D फिगर है तो कुछ ऐसा ही बीचों बीच खड़ा होगा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम ईच कॉर्नर, देखो यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ये, इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब इक्वल है, तो ये पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर से तीनों दूरियां बराबर होंगी ना, तो सरकम सेंटर होगा परिकेंद्र। देखो अगर ये हाइट हर जगह सेम होगी, एंगल भी सेम है, तो ये लेंथ एक्स वाई जेड भी सेम होनी चाहिए, और ये कब होती है, जब वो सरकम सेंटर हो, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या होगी, तो सही सबको समान आ जाएगा, आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम टू कॉन्जिकेटिव किलोमीटर स्टोन अलॉन्ग अ रोड आर 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ द बलून। देखो यार ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, आपको ये पूछा हुआ है, तो ये वन, ये वन, 90 के आगे वन, डबल एंगल दिख रहा है, 60 के आगे सॉरी 30 होगा, ये 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 रूट 3, ए ऑप्शन। अ वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, याद आया कुछ रूल, देखो ये 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की इमेज बनाती है, और इधर 40 मीटर, तो ये पूछा होगा आपसे एक्स, तो देखो 10 अल्फा, वही लॉजिक लगाएंगे, ये अल्फा मान लो, तो 12/8 इज इक्वल एक्स बाई 40 60, बी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एंगल 30 डिग्री, चलो जो भी मानो x, ये 2x,
इस हिसाब से ये साइड जो भी होगी ए, तो ये भी ए हो जाएगी ना, डबल एंगल का ही कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, उसके बाद बोला हुआ है अ टार सबटेंड स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टार ऑन एडवांसिंग 100 टुवर्ड्स इट। मतलब ये कितना यहां से यहां तक 160 पूरा है ऑन एडवांसिंग। अब ये ए कितना है 100 है, तो ये भी 100 हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ द टार इज, ये कितना बचेगा 60। कैसे एंगल डिवाइड करोगे आप लोग? अब बस ये 100 है, 60 है, बाकी कोई वो 30-60 की जरूरत ही नहीं हमें, कोई लॉजिकल है। एक सेकंड, अरे वो छोड़ो, ये जैसे एंगल दिया ना दिया फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट ये था बिकॉज दिस साइड इज 100, ये 100 होगी और ये 100 ये 160 60 हो गया। अब ये राइट एंगल नहीं है, 100 60 80, बस मैं डबल एंगल का कॉन्सेप्ट पूछा था, डबल एंगल से साइड के कारण क्वेश्चन आसान हो गया। आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन टार फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 द हाइट ऑफ द टार। देखो यार, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टार फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये 50 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है, आपको ये पूछा होगा 50/√3 नहीं, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन। अरे समझे भाई लोगों, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए वर्टिकल टार ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 40। इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका ना, ये 10 है, ये 30 है, ये 45 है, ये h पूछा है आपसे, h cot 30 root 3 minus 1 is equal 10, h बराबर 5 root 3 plus 1, याद आया कुछ? वो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 2 आ जाएगा, कट जाएगा, बस ये ध्यान रखना। देखो जब शुरू के क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाद में तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और ये अप्लाई करना है घर पर बैठ कर क्वेश्चंस पर। ओके, द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टार फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 ऑन ट्रेवलिंग 60 मीटर टुवर्ड फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द टार द एलिवेशन। देखो 45-60 इस बार, ये 45 है ये, और ये कितना दिया है 60 मीटर, h पूछा हुआ है, h cot 45 1 minus 1/√3 इज इक्वल 60, h इज इक्वल 60√3/√3-1, समझे भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 हो जाएगा 30 और ये रूट 3 अंदर ले जाओ 3+√3, सी ऑप्शन। देखो, फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ अ प्लेयर द टू एंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेयर आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर इफ द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेयर आर 9 and 16 एंड टू पॉइंट सेम। ये याद है रूट ए बी वाला कॉन्सेप्ट, इसमें रूट ए बी लग जाएगा, मतलब वही कॉन्सेप्ट, ये 9 है, ये 16 है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, तो इसके क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है h इज इक्वल रूट ए बी, ए है 9, ये है 16, 12। अब आप चाहो 10 अल्फा लगाए करो, यही आएगा, तरीका याद रखना, मतलब रूट ए बी का दूसरा क्वेश्चन आया ये। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप। देखो यार, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी मीटर है, 10 मीटर टॉल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अच्छा, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा है, माना फ्लैग की हाइट x है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटे ट्रायंगल में 30 के अपोजिट 10 तो 60 के अपोजिट, अब बड़े ट्रायंगल में 45, ये पूरी साइड इसके बराबर होगी ना, x प्लस 10 इज इक्वल 10√3, 45 रूल लग गया बड़े ट्रायंगल में, तो x इज इक्वल 10√3-1। और अब देखो एक बात, आपको रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 10 × 1.732 - 1 या 10 × 0.732, आंसर इज 7.32। और इसके बाद जब ये आपका आंसर आ गया था, ऐसा कोई ऑप्शन था इसमें कहीं, आंसर केवल यही होगा फिर, भाई सिंपल सी बात है, और 10 से छोटा ही होना है क्योंकि 10 के अंदर √3-1 है, तो 10 से छोटा तो केवल एक आंसर 10 से छोटा है, ठीक है ना, तो आप पहले कर सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर, टी मार्क कर सकते थे। The angle of elevation of top of a vertical tower situated on a plane is observed as 60 from a point P on the same plane. From another point Q. अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहां से देखा इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, ये इस बिल्डिंग का एलिवेशन। अच्छा, बोला है इससे 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट Q है, इससे देखा डिप्रेशन कितना आया, ये 30 हो जाएगा, हाइट ऑफ द, माना ये H है। अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल की बात करो, 30 के आगे 10 तो 60 के आगे
अब बड़े टांगली बात कर लो, 30 के आगे 10 रूट थ्री, तो 60 के आगे 10 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 30 बी ऑप्शन, 30 60 90 रूल लग रहा है ज्यादातर, वो आपको प्रिपेयर रखना है बच्चों, और एचडी रूल। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार, बहुत घटिया क्वेश्चन है। देखो ये 30 डिग्री है, ये 20 मीटर है, तो हाइट कितनी हो जाएगी बिल्डिंग की, डी ऑप्शन, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए हाउस इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज, बड़ा मजेदार क्वेश्चन ध्यान देना, 60, और ये कितना दे रखा है, देखो ध्यान देना, 60 के आगे नहीं, 30 के आगे 6.5, तो 90 के आगे बाय 2, 3.25, खत्म क्वेश्चन, अरे समझे, बस आपको 30 60 90 याद रखना है। सॉरी गलती हो गई, हाँ 30 के आगे 13 हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल डिक्रीजेस बाय 4 मीटर, देखो ये 4 मीटर है, एंगल पहले 30 था फिर 45 हो गया, हाइट ऑफ द पोल एच, एच कॉट 30 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल 4, एच बराबर 2 रूट 3 प्लस 1, अच्छा रूट 3 वैल्यू लेनी है आपको, अब सुनो सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, 1.73 प्लस 1 हो गया 2.73, मतलब 2.5, मतलब 5 से ज्यादा, बस जस्ट 5 ज्यादा, ओनली डी ऑप्शन पॉसिबल, अरे समझे भाई, 1.73 में एक जुड़ के 2.73 आना है, और 2.7 का डबल 5 पॉइंट समथिंग होगा, केवल एक ऑप्शन 5 पॉइंट में है। देखो अगर आपके पास टाइम हो 4-5 दिन का तो करना लेंथी क्वेश्चन, अगर आपके 2 घंटे हो बहुत कुछ करना तो ये करना जो बता रहा हूं मैं, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। अ वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो डायग्राम देख लेते हैं पहले। अ वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर, बड़ा कौन सा होगा, टावर, पोल छोटा होगा, अच्छा हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर 60, देखो यार ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, द हाइट ऑफ द, देखो यार ये 10 है यहां से आता, क्यों 30 के आगे 10, तो 60 के आगे, अब इधर 30 के आगे 10 रूट 3, तो 60 के आगे 30, ये 30 ये 10 कितना हो गया, सी ऑप्शन। द लेंथ ऑफ शेडो वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10 मीटर, देखो सेम क्वेश्चन पहले की तरह, ये 10 मीटर है, एंगल हो गया कितना 30 टू 45, ठीक है, तो एच कॉट 30 रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल 10, तो 5 रूट 3 प्लस 1, ये क्वेश्चन चौथी पांचवी बार आ रहा है इस तरह। इफ ए पोल ऑफ 12 मीटर हाइट कास्ट ए शेडो 4 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके बहुत लॉजिकल बात थी, ये 12 मीटर है और ये 4 रूट 3 शेडो, तो 12 में मैं 4 रूट 3 गुणा कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने से मेरा ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60, तभी तो 30 पर डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, आंसर हो गया 60। आप चलो 10 लगा के भी अपने दिल को खुश रख सकते थे। हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा चलो बता देते हैं, देखो ये 70 है, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है भाई, तो ये 30 ये 70 हो गया, 90 के आगे 70 30 के आगे, तो 60 के आगे, डी ऑप्शन, ओके भाई समझ में आता है कुछ। देर आर टू वर्टिकल पोस्ट वन ऑन ईच साइड ऑफ अ रोड जस्ट अपोजिट टू इच अदर, वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट आर, देखो यार अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, हम क्या करेंगे यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 30 है, ये 60 है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 108 है, 60 के आगे 108, तो 30 के आगे 108 बटे रूट 3, ये साइड 108 बटे रूट 3 हो गई, तो इधर ये 60 है, 60 के आगे 108 बटे रूट 3, तो 30 के आगे 108 बटे रूट 3 बटे रूट 3, मतलब 3 कितना हो गया 36 हो गया, ये 36 हो गया, ये 108 पे बचेगा 72, ये कर लो,
और अदरवाइज मैं 2/3 बता चुका हूं, सबसे पहले बताया ना वो 36 वाला कॉन्सेप्ट, तो वो लग जाएगा सीधे यहां पर। तो जो मैंने पहले बताया था वो ये था कि भाई अगर ऐसा कुछ दे रखा है ये 30 है ये 60 है, तो एकदम से जो ये लेंथ होगी उसका 2/3 ये होगा। ये बताया था सबसे पहले, ये रूल था और काम का रूल है भाई। अगर आपके 2-3 मिनट बच रहे हैं इन कॉन्सेप्ट से तो बहुत फायदा है यार। अगर आपका एक क्वेश्चन जो 1 मिनट में होता है 10 सेकंड में कर पा रहे हो, समझो कि आप आगे वो 50 सेकंड काम करोगे ना, यूज होगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्टकट बताया, एल्जेब्रा शॉर्टकट, वो सारे शॉर्टकट काम आएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 टेंपल्स वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। 1 टेंपल इज 54 मीटर हाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेंपल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट। सेम क्वेश्चन आ गया। देखो भाई ये 54 है, ये पूछा हुआ है 2/3 और 54। अरे समझे, 36। कितना घटिया क्वेश्चन हो गया अगर आपको शॉर्टकट पता है तो। ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ते रह जाओगे समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो लॉजिकल ध्यान रखना, डिप्रेशन दिया हो 36 तो यही लगाना है आपको, 2/3 होगा सेकंड वाला। और अगर कहीं ये दे रखा है तो ये क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, जोड़ देना। समझे, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। ओके, द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 24 and 36 आर कनेक्टेड बाई ए वायर। इसका मतलब देखो ये है 24 ही 36, ये वायर से बंधे हुए हैं। अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये कितना बचेगा, 12 है ना, और ये मैं बना रहा है 60 डिग्री एंगल, तो ये लेंथ पूछी हुई है। देखो 60 के आगे 12, तो इधर 4 12/√3। आंसर नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। हाँ तो ये हो जाएगा 12/√3 × 2, 90 के आगे वायर की लेंथ पूछी हुई है, तो 8√3 बी ऑप्शन। समझे भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 and 60। देखो भाई सेम क्वेश्चन, ये कितना मीटर हाई है, ये 30 है, 60 हो गया, तो ये कितना होगा, 2/3 ऑफ 200। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, सी पार्ट ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन आया उस कॉन्सेप्ट पर जो 30-60 पर, तो हमको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। बट डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम कौन सा बनेगा, अगर डायग्राम गलत दिमाग में बन गया तो फिर गलत हो गया सब कुछ, है ना। वो सोच होती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो तो सब कुछ अच्छा होता है, नेगेटिव हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर 125 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ टावर। देखो इससे क्वेश्चन कई आ चुके हैं, दिस इज 45, दिस इज 30, ये कितना है 125, आपको ये पूछा है, एक्स पूछा हुआ है। तो देखो एक्स इज इक्वल एच 125√3 − 1। समझा क्या किया मैंने, अब इस पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑन इधर साइड, मतलब इधर उधर है ठीक है, ये 45 है ये 30 है। देखो इतना लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके आगे 180 तो ये भी 180 है ना, 30 के आगे 180 तो 60 के आगे जोड़ दो, 180 कॉमन 1+√3 डी ऑप्शन। किसी भी पॉइंट पे आपको लगा, देखो मेन का क्वेश्चन है, ये सीएफएल लिख दिया, सीजीएल होना चाहिए था, ये सीजीएल है भाई। ओके, फ्रॉम द पीक ऑफ हिल विच इज 3 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ब्रिज लाइंग ऑन। देखो सेम क्वेश्चन पहले की तरह, देखो फ्रॉम द पीक ऑफ हिल विच इज, देखो ये 300 मीटर हाई है ठीक है, एंगल डिप्रेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ब्रिज लाइंग ऑन ग्राउंड आर 45 बोथ साइड एज ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल, मतलब ऐसे कुछ दिया हुआ है, और ये हाई है और ये है कितना 45 और 30, आपको ये पूछा हुआ है डी। तो एच 300√3 − 1 इज इक्वल डी, कौन सा आंसर हो गया। अब बताओ मेंस का क्वेश्चन है 2014 का आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए थे मेंस में हाइट एंड डिस्टेंस से, दोनों कितने आसान क्वेश्चन थे। ओके नोट हो गया, फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पाम ट्री ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर आर फाउंड टू बी 16:30। मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है, एरोप्लेन ये उड़ रहा है, अच्छा एक एंगल है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, रिवर की लेंथ कितनी है 400, आपको पूछा है किस हाइट पर है, रिवर्स क्वेश्चन है पहले की तरह, मान लेते हैं हाइट एच है, तो देखो 60 के आगे एच, तो 30 के आगे
ये एच बाई रूट थ्री, इधर 30 के आगे एच, तो ये कितना हो गया, इन दोनों का सम 400 होगा, एच बाई रूट थ्री प्लस एच रूट थ्री इज इक्वल 400, तो 4h बाई रूट थ्री इज इक्वल 400, एच इज इक्वल 100 रूट थ्री, और रूट थ्री होता है 1.73, तो 173.2 ए ऑप्शन। ओके, फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन ग्राउंड एंड लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द पिलर द टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। देखो, फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ पिलर द टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर आर कॉम्प्लीमेंट। देखो, अगर ये अल्फा है, इसलिए तो पांचवा क्वेश्चन आया इस का, ये कितना है 27 और ये 12 है और ये 27 है, तो h क्या होगा, अंडर रूट 27 इंटू 12, ध्यान देना मैं कैसे करता हूं, 9 इंटू 2 कर दूंगा, कैसे हुआ होगा, एक 3 निकला बाहर यहां से, 27 में 9 है, ये 3 9 हो गया और 4 का 2 बाहर आ गया 18, मतलब बहुत जल्दी करना है, ये नहीं कि आप गुणा करके निकाल रहे हो, इस पेयर बना के बाहर कर दो, ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी जो मैं करता हूं कैलकुलेशन ट्रिक्स, ठीक है, कि मैं कैसे कर रहा हूं जल्दी जल्दी उनको, वो आपको सीखना पड़ेगा कि इसको रूट करके आप गुणा नहीं करने वाले हो, आप 12 को ब्रेक करो 4 इंटू 3 में, 4 का 2 बाहर आएगा, 3 के साथ यहां पे 27 है ना, 9 3 जा 9 9 जा, मतलब बाहर 9 आ गया। द शेड ऑफ स्टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड। देखो भाई, ये 60, ये 45, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुका यार, एच पूछा हुआ है, कॉट 45 या 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल 40, तो एच इज इक्वल 40 रूट थ्री बाई रूट थ्री, ऐसा कर दू 20, फिर सोया कोई बी ऑप्शन। A 10 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस अगेंस्ट द वॉल, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री ऑन द ग्राउंड। घटिया सा क्वेश्चन है, दिस इज 30 डिग्री और ये 10 मीटर है, तो देखो 90 के आगे 10, तो 30 के आगे इधर 5 रूट थ्री, अच्छा ये 5 रूट थ्री पूछा, ध्यान देना 5 इंटू 1.7, ठीक है 1.73 कर लो, तो मल्टीप्लाई करो 8.65, मतलब बी ऑप्शन, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो यार। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ हाइट, ये पता है सीबीएसई बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ हाइट 6 feet वांट टू प्लक अ फ्रूट विच इज ऑन 26x3 feet हाइट ट्री इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो लड़का है इसकी हाइट 6 feet है और जो पेड़ है वो उसमें जो फल लगा है वो कितना ऊंचा है, तो जो बची हाइट, जो अब ये अपने हाथ से यहां फेंकेगा तो हाइट जो रिमेनिंग होगी 26x3 - 6 8x3, मतलब अब क्वेश्चन ऐसा बन गया कि 8x3 पर फ्रूट है, अब हमें उसकी हाइट हमने छोड़ दी अब, ठीक है, और ये कितना दूर खड़ा है, ये तो बोला हुआ है, अब आपको ये एंगल पूछा हुआ है, तो देखो अगर ये 60 होगा तो 30 के लिए हमने रूट थ्री डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो क्या ये सही है, ये 30 होगा ये 60 होगा भाई, अगर आप 8x3 में रूट थ्री गुणा करो तो ये 8x√3 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये 60 होगा 30 होगा, तो किस एंगल से फेंके 30 डिग्री से, आप 10 लगा के कर लेना अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, 10 लगा के कर लेना, अब भी आपका आंसर 30 आ जाएगा, बस इसमें समझना क्या था, ये 6 feet का था ना, ये अपनी ऊंचाई जब नीचे तो फेंकेगा नहीं पैर से, ऊपर से फेंकेगा ना, तो जो उसकी हाइट है वहां से फेंका माना जाएगा, तो 6 feet घटाना पड़ेगा आपको टोटल हाइट से, ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया 52, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस, घटिया क्वेश्चन है, दिस इज 30, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 100/B ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, टू टार्स ए एंड बी हैव लेंथ 45 एंड 15 मीटर रेस्पेक्टली, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ टार बी टू द टॉप ऑफ द टार इज 60 डिग्री। देखो यार, एक है 45 का, ये ए टार है, ये बी टार है जिसकी हाइट है 15 मीटर, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ बी टार टू द टॉप ऑफ, ये 60 है, ये थीटा दिया हुआ है, तो आपको थीटा पूछा हुआ है, अच्छा साइन थीटा पूछा हुआ है, देखो यार 60 के आगे
45, तो इधर 30 के आगे, तो थीटा इधर ये 15, इधर ये कितना है, अगर मैं इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड तो ये हो जाएगा 15√3, मतलब इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये एंगल कितना होगा 60, ये कितना होगा, अच्छा साइन 30 कितना होता है, आंसर